कि आप जान ही रहे हो, मैं सुबह से वीडियो अपलोड करने में लगा हुआ था। 8 बजे तक वीडियो अपलोड करने के लिए लगा हुआ था, लेकिन वीडियो अपलोड हुआ और नहीं रहा था। अभी अपलोड हुआ है, सो अभी मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया हूँ। और आज का सीन ऐसा है कि आज मुझे जाना पड़ रहा है बाहर, तो और सॉरी कल के लिए, जो कल मैं बोल नहीं पाया आपको, जो कि मैं आज बाहर जाऊंगा। मैं कल रात को घर पे आया, घर पे आने के बाद अचानक से मुझे पता चल रहा है कि मुझे बाहर जाना है। सो दैट्स व्हाई, कहाँ जाना है वो आपको पता चलेगा। और ये जो ब्लॉग होगा ये 2 पार्ट में होगा। बाहर जाऊंगा घूमने, इधर उधर जैसे भी जाता हूँ वहाँ पे कैसे रहना पसंद करता हूँ और रहता भी हूँ। सो देखने को आपको मिल ही जाएगा। कल का ब्लॉग मैं आज अपलोड कर चुका हूँ सुबह को। सो आप जाएं और वॉच एंड सब्सक्राइब टू, क्योंकि आप लोग बस व्यूज़ दे रहे हो, सब्सक्राइब भी कर लो प्लीज़। सो मैं और भी, मुझे और भी ताकत मिलती रहेगी कि हाँ अच्छे अच्छे ब्लॉग्स और बनाता रहूँ आपके लिए। दैट्स वाई सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो। सो मैं अभी तो फ्रेश होने जा रहा हूँ, फ्रेश होके फिर मैं मतलब कि आज और भी चीज़ दिखाऊंगा आपको जो मैंने फर्स्ट ब्लॉग में बोला था। सो आज वो दिखाऊंगा। और अभी मैं रेडी फटाफट होके नीचे के लिए निकल, अभी नहा के रेडी हो चुका हूँ और अभी मैं बाहर निकलूँगा, क्योंकि मुझे बाहर निकलने के लिए बोला गया है रूम से। और गाड़ी भी आ चुकी है नीचे, सो मुझे अभी जाना होगा और मैं अभी निकलने की तैयारी में मैं निकल ही चुका हूँ। और चलो टाटा टाटा टाटा, मैं अभी निकल चुका हूँ, मुझे छोड़ने के लिए पापा भी जा रहे हैं मेरे साथ में पीछे का, और नीचे के बाद फिर पापा भी ऊपर आ जाएंगे। गाड़ी तो अपनी खड़ी है इधर, और ओपू दादा अपने सुबह सुबह रेडी होके आ चुके हैं। चलिए ओपू दादा, आप देख ही सक रहे हो मैं अभी घर से निकल चुका हूँ बाहर और गाड़ी में बैठ चुका हूँ। हमारे साथ ओपू दादा भी, ओपू दादा से हाय। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं किसी को लेने के लिए, आ सकते हैं। और ओपू दादा और मेरी जोड़ी हमेशा ही रहती है साथ में। अर्जुन और यादव भी आ रहे हैं मेरे से मीट करने के लिए अभी, और यादव भी आ ही चुके हैं। ये लोग मेरे से मीट करके फिर अपने कल मीट करेंगे भाई। हम लोग अपने गाड़ी में तेल ले रहे हैं, और तेल लेने के बाद फिर अपने निकलेंगे तेल लेके। और यहाँ पे कोई है नहीं, तो इसी के लिए लेट हो रहा है हम लोग को। और कुछ रास्ते में, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। और अभी तो अपने को तेल लेके निकलना होगा इधर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका है। सक्रे ओपू दादा भी हमारे साथ साथ एकदम बोले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो रानीगंज से 20 किलोमीटर दूर है। रानीगंज के बाद फिर अपने निकले, जैसा कि अपने देख सकते हैं अभी मैं मेजिया के पास हूँ। और साथ साथ देख ही सक रहे हो अपने ट्रेन है, ट्रेन के साथ अपने रेस लगा रहे हैं, किंतु ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा ही स्लो है। इसी की वजह से निकले, रुक रहे हैं क्योंकि भूख बहुत जोर से लगी हुई है दोनों को। निकल चुके हैं खाने के लिए जाने को, और खाने के लिए देखते हैं क्या मिलता है। नाश्ता करके निकलेंगे अपने, अपने जा ही रहे हैं, क्या नाश्ता मिलता है नहीं मिलता है। उसमें आ तो चुके हैं छोले भटूरे की दुकान पे। भैया कितने का है? 25 का प्लेट है, 2 प्लेट लगा। खाना भी हो चुका है और अपने अभी निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही दूर जाना है अपने को, शाम हो जाएगी पहुँचते पहुँचते, इसी के लिए अपने जल्दी जल्दी करके निकल रहे हैं। और खाना तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर था, निकल ही चुके हैं। जैसे कि आप देख ही सक रहे हो अभी हम लोग का कोरोना टेस्ट हो रहा है। अभी लोग अभी चॉकलेट ले चुके हैं। ये दूसरा टोल गेट है, और Yeah.
क्या जमाया है यार। झारखंड बॉर्डर में घुस चुके हैं और ओपू दादा भी मेरे साथ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं तो बहुत बहुत बढ़िया। धूप होने के बाद भी यहाँ पे कितना कुहासा होके रखा हुआ है पहाड़ों पे, मतलब कि झारखंड में बहुत ज्यादा से ज्यादा ही ठंड है। लोग अभी गिरिडीह बाजार घुस चुके हैं राइट। और अभी ऐसा है, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं देवघर झारखंड। सो घर जाने में और 1.5 घंटा। ऐसा कुछ आप देख ही सक रहे हो, हम लोग अभी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और अभी मैं सनरूफ पे भी थोड़े बजे लूँगा। तो गाइस देख लो, ये मैं आपको भी दिखाऊंगा जो ये जंगल है, ये 9 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर तक का जंगल है। रात के टाइम पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है, लाइक लूट और वगैरह। आप बस देखते रहो इसके रूट्स, देखना बहुत ज़्यादा ही खतरनाक से भी खतरनाक रूट के सेप भी बहुत फुल स्नेक टाइप रोड है। अभी हम लोग जंगल क्रॉस करने के बाद अभी हम लोग चाय पीने के लिए रुक रहे हैं, देखते हैं कैसी चाय मिलती है। ठंड भी इधर बहुत है, ये चाय पहनना बनता ही है। जैकेट भी पहनना पड़ ही रहा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है इधर। उतरते के साथ ही ठंड लगने लगी गाड़ी से, तो जैकेट भी पहन ही ली हम लोग और ओपू दादा और मैं चलते हैं चाय दुकान की तरफ। क्या चाय मिलती है देखते हैं, चाय तो अच्छी मिलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थक गए हैं हम लोग। चलो फिर देख दुकान पे, और दुकान पे देख रहे हैं क्या सीन हो रहा है अभी। और चाय की दुकान है, चाय की दुकान पे हम लोग अभी देखते हैं क्या मिलता है। हम लोग को पेड़ा खाने के लिए मिल रहा है, वो भी देसी घी का। ओपू दादा कैसा टेस्ट है, सुंदर है, बहुत ज़्यादा इसे जा ही रहे हैं उधर। गाड़ी की वजह से तो जाम नहीं लगी है और देख
पुलिस भी खड़ी के पास तो आ चुके हैं उधर खाने तो कहना निकल पाए जाम से। मैं पहुंच चुके हैं दीदी के घर, वो बस गली टर्न करेंगे और पहुंच जाएंगे दीदी के घर पे। रुको, अपने दीदी के घर घुस चुके हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, देखो मैंने कोक रखा है। अभी बहुत ज़्यादा ठंड है इधर क्योंकि अभी वो नीचे आंटी भी आई, पहुँच ही चुके हैं अभी घर पे। अभी आंटी भी आ चुकी है सामने और ये कुटू कुटू आओ अंदर आओ, अंदर नहीं करने दो ये छोटा सा कुटू कुटू, बहुत ज़्यादा खुश होते हुए गाड़ी को पार्क करवा लेता हूँ। शूज उतार दिया मैंने, हाय बोलो। छोटा लड़का गिफ्ट लेके बहुत ज्यादा ही खुश हो गया है। हाय, खुश हो? खुश हो? हैप्पी है? हाँ, आ चुकी है। तुम बहुत बदमाश है, पता नहीं गाड़ी वाला लो ना, लो तंग कर लिया अपने, लो आ चुके हैं विलन बन गए। अभी हम लोग बाहर निकले थे घूम के तिलकुट लेने के लिए, तिलकुट लिया और ये झाझा का बाजार है। हम लोग पैदल पैदल घर से तो आ गए और फिर चलने की शक्ति नहीं रही, ज़्यादा डरते हुए क्योंकि बहुत ज़्यादा ही तेज टोटो चल रहा है, ज़्यादा डर लाइफ प्रॉब्लम बट एंजॉयफुल टोटो राइड। तो गाइज अभी के बज रहे हैं 12:30 और मैं जा रहा हूँ अभी स्टेशन जमाई बाबू को लाने। जमाई बाबू आ रहे हैं अभी और ये है सरप्राइज़ दीदी के लिए क्योंकि दीदी नहीं जानती है कि जमाई बाबू आएंगे। अभी जमाई बाबू के पास जा रहे हैं अपने। तो गाइज जैसा कि आप देख ही सक रहे हो अभी टाइम हो चुका है 12:45 ज़्यादा ही कुआसा है इधर, कुछ देखने को मतलब कि विंग साइड तो कुछ है ही नहीं क्योंकि कुहासे की वजह से सब बंद, कुछ दिखने के लायक नहीं है। कभी जमाई बाबू के सामने मिलाऊंगा, सो तब तक के लिए आप स्टेशन पहुंच चुके हैं, आगे आगे चलते जाओ अपू दादा। आप आगे वो खड़े हैं जमाई बाबू, आप बताइए रात में लेने आने के लिए। अरे ओके जैसे आपका मन, सीधे भी चलिए, चलिए घूमते हुए चलते हैं, घूमते हुए चलेंगे, चलिए सीधे। और ठंड तो यार पूछो ही मत, बहुत है ठंड, मतलब मफलर टोपी सब पहन के निकल चुके हैं। हमें तो बोल रहा अभी हम लोग गाड़ी पार्किंग के लिए परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। और मैं पहले सीन ऐसा है कि रात के बज रहे हैं 1:13, क्या पता फोन में दिख नहीं रहा है तब, तो अभी होने वाला हम लोग का गुड नाइट। जमाई बाबू भी अभी नीचे जाके खाएंगे और ओपू दादा को भी बहुत जोर नींद, मुझे भी बहुत जोर नींद आ रही है। कल ओपू दादा को गाड़ी भी चलानी है और जमाई बाबू को बहुत भूख भी लगी है शायद और नींद भी आ रही है क्योंकि बेचारे थक गए हैं, ड्यूटी पे भी गए थे और घर पे भी आए ट्रेवल करके। और ओपू दादा की तो हमेशा स्माइल निकलते रहती है। और अभी का हम लोग गुड नाइट, पार्ट 2 में मिलेंगे फिर। गुड नाइट, गुड नाइट।